Hello friends, today we are going to study polymer. The polymer, the first chapter of the 12th standard. In the weightage of this chapter is 4 to 5 marks. With option 5 marks, without option 4 marks. The very first question arises that what we are going to study in this chapter. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले क्या पढ़ना है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को अगर रास्ता मालूम पड़ेगा रास्ता पता होगा तो मंदिर तो पहुँचना नहीं होगा बहुत ईजी हम लोग समझ सकेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं किस तरह से ये चैप्टर जाएगा तो हम लोग आसानी होगी इसलिए पहले हम लोग देखते हैं कि वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर सो ऑब्जेक्टिव आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मीन्स क्या What is polymer? Polymer क्या है? Then what is monomer? Monomer क्या है? उसके कुछ example लेंगे हम लोग. Then what is polymerization process? Polymerization process होता क्या है? वो हम लोग देखेंगे. Then the very important topic of the chapter classification of polymer. Polymer के classification. ये chapter पूरा sorry ये जो part है ये almost chapter cover कर लेता है. अगर हम लोग देखेंगे तो देर आर फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जिसमें से पांचवा क्लासिफिकेशन जो है वो सेम एज थर्ड वन के जैसा ही ये सेम है तो इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ इसको नहीं पढ़ा हुआ या फिर इसको मैंने हटा दिया हूँ लोग सेम देख सकते हैं सेम है वो सो वी विल सी फोर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सोर्स जैसे हम लोग को मालूम पड़ा सोर्स के बेस पे मतलब सोर्स मतलब क्या कहाँ से पॉलीमर आया है नेचर से आया तो नेचर को नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे आर्टिफिशियल बनाया गया है तो आर्टिफिशियल बोलेंगे सब लोग देखेंगे वन बाय वन हम लोग देखेंगे मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं जस्ट गो थ्रू दे रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में आए चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है तो सोर्स के बेस पे सेकेंड हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे स्ट्रक्चर किस तरह से जो है हमारा पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है लीनियर पॉलीमर स्ट्रेट चेन है ब्रांच पॉलीमर ब्रांच है कि नहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा तो नेटवर्क पॉलीमर कहलाता है तो स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पे हम लोग देखेंगे एक क्लासिफाई कैसे होता है थर्ड जो है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस मतलब पॉलीमर किस प्रोसेस से बना हुआ है देयर आर ओनली टू प्रोसेस जिससे पॉलीमर बनता है नंबर वन एडिशन रिएक्शन और नंबर टू कंडेंसेशन रिएक्शन और जो एडिशन रिएक्शन से बनता है उसको एडिशन पॉलीमर बोलते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है उसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं वी विल सी उसके एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे बट इट्स जस्ट एग्जांपल जस्ट इंट्रोडक्शन थर्ड फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट अमंग दिस फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग देखेंगे हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलीमर तुमको मिलेंगे जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि रबर को हम लोग देखें सेकेंड अगर देखेंगे तो फाइबर जो होता है हम लोग फाइबर नायलॉन का रोप देखे होंगे हमने नायलॉन का रोप पॉलीथीन का बैग देखा होगा पॉलीथीन का बैग और एग्जाम्पल हम लोग देखा होंगे हमारे कुकर का हैंडल होता है स्विचेस होते हैं कुकर का हैंडल देखा होगा कितना स्ट्रांग होता है उसमें गर्म कितना भी हीट कर लो वो निकलता नहीं है फूटता नहीं है कुकर का हैंडल राइट चारों पॉलीमर हम लोग देखेंगे चारों के चारों पॉलीमर टोटली डिफरेंट है डिफरेंट पहला अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला पॉलीमर की एग्जाम्पल दे रहा था मैं रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है रबर स्ट्रेचेबल होता है क्यों होता है भाई सेकेंड हम लोग देखेंगे फाइबर कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है ना थर्ड अगर देखेंगे तो वो मैंने एग्जाम्पल दिया था पॉलीथीन बैग होती है थोड़ी सी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है बट वो भी इन दोनों से अलग अलग है और चौथा प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो चौथा एग्जाम्पल दिया था तुम्हारे कुकर का हैंडल तो कुकर का हैंडल तो ऐसा है कि इन चार तीनों से अलग है टूटता नहीं है मेल्ट नहीं होता प्लास्टिक है फिर टूटता नहीं है मेल्ट नहीं होता है ना तो क्या ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो ये तीनों चारों अलग अलग है तो वो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलीमर के कितने टाइप्स है तो पॉलीमर की दो टाइप है जो हम लोग को हमारे सिलेबस में दिए गए पहला होमो पॉलीमर
सेकेंड हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं हम लोग डीप में देखेंगे, हम लोग अभी फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे। हेट्रोपॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोपॉलीमर, विल सी नेक्स्ट। इसके बाद हमारा जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को सम सिंथेसिस पढ़ना है पॉलीमर की, इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स की सिंथेसिस पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ दैट पॉलीमर, वो देखेंगे। उसके बाद अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अगर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को हम देखते हैं तो क्या है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो हमारे अगर हमारी डे लाइफ में देखेंगे हम लोग नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है, हम सब हम जानते हैं कि नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट रबर का यूज करके हम लोग टायर्स वगैरह नहीं बनाते ना, हम लोग को उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये हम लोग डीप में अगेन देखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ सम सिंथेटिक रबर, ये रबर देखे हमने, तो उसके बाद कुछ सिंथेटिक रबर देखेंगे, ब्यूटाइल रबर है, नियोपीन है, जैसे बुनाएस बुनाएन एक्सेट्रा, तो हम लोग उसको देखेंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमारी डेली लाइफ में आज यूज कर रहे हैं पॉलीथीन, बट इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग मालूम है कि ये इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रही है। तो हम लोग को जरूरी क्या है, हम लोग को ये जरूरी है कि ये जो पॉलीमर है, जो हम लोग ऐसा कोई पॉलीमर बनाए जो डिग्रेड हो जाए, बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाए। तो कुछ पॉलीमर्स है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे जो बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाते हैं, वो पॉलीमर्स के प्रिपरेशन देखेंगे। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, जिस बच्चे को लिखना है तो जरा देख के लिख सकते। Let's start the chapter polymer. What is polymer? स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पॉलीमर मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है जो मैं नॉर्मली हर चैप्टर पढ़ाने से पहले बताता हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर, इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए हमारी डेली लाइफ के अंदर। अगर डेली लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस पता होगा तो वो अप्लाई कर पाएगा, करके रहे। तो इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंस कहाँ पॉलीमर यूज है कोई बताएगा मुझे कि कहाँ कहाँ पॉलीमर यूज होते हमारी, जो मैं अगर पूछूंगा तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि प्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ में पॉलीथिन का बैग हम लोग यूज करते हैं ना, टेफ्लॉन वगैरह यूज करते हैं, ये तुम्हें बताएंगे। प्लास्टिक के अलावा और कोई बता सकता है? नहीं। और भी है मतलब हम लोग, अगर मैं बताऊंगा आपको तो हमारी डेली लाइफ में मेटल को छोड़ के एवरीथिंग इज पॉलीमर। तुमने जो एग्जांपल दिया प्लास्टिक पॉलीथिन का बैग, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर। बट इफ यू सी हमारे सराउंडिंग में और क्या है, तो वुड इज ऑल्सो अ पॉलीमर। इफ यू सी कॉन्क्रीट इज अ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। देन ग्लास सिलिकेट, ग्लास इज ऑल्सो अ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है, इसलिए हम लोग को चैप्टर दिया गया क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से या हमसे लिंक है, इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना है कि अगर हम लोग देखेंगे तो वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम लोग पॉलीमर हैं, वी आर नथिंग बट अ पॉलीमर।
हाउ कैसे, तो अभी हम लोग देखेंगे. सो हम लोग किससे बने, वी आर मेड ऑफ सेल. सेल किससे बना, सेल बना है प्रोटीन से. सेल किससे बना है, प्रोटीन से. एंड प्रोटीन क्या है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रोटीन इज अ पॉली अमाइनो एसिड. प्रोटीन क्या है, पॉली अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के पॉलीमर से ही प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के पॉलीमर है. प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है और प्रोटीन से हम बने. तो इसका मतलब हम क्या है, वी आर नथिंग बट अ पॉलीमर. तो ये चीज जो हम लोग मालूम नहीं थी वो बताना चाहता था कि प्लास्टिक को छोड़ के और भी बहुत सारे पॉलीमर है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. मेरे ख्याल से हमारे सराउंडिंग में मोस्ट ऑफ थिंग आर नथिंग बट अ पॉलीमर. सिर्फ मेटल को छोड़ के, मेटल नहीं, मेटल को छोड़ के बाकी सब पॉलीमर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉलीमर्स. सो पॉलीमर्स, द पॉलीमर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, पॉली. पॉली मीन्स फॉर मैनी. Poly means many, and mers is derived from word maros. Maros का मतलब होता है unit, you can say unit or part. So क्या समझा बच्चा, हम लोग को समझ में आया कि polymer मतलब क्या, ऐसा ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे many, बहुत सारे unit हो या part हो. कोई भी चीज जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट होगी या बहुत सारी चीजों से मिलके कोई चीज बनी होगी उसको मैं बोल सकता हूँ पॉलीमर. तो क्या ये डेफिनेशन थी, नहीं डेफिनेशन नहीं थी. चलो डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम लोगों को मालूम है, हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग को पहले ही पार्ट लगे पॉलीमर क्या है. सो डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर बनाएंगे, उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. इसने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट चाहिए. तो मैंने क्या किया, एन नंबर ऑफ बहुत सारे एरिया, एन नंबर ऑफ एरिया, और उसके ऊपर प्रोसेस किया पीपी. पीपी मतलब क्या, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. एक ही बार बता रहा हूँ, उसके बाद जब भी मैं यूज करूंगा पीपी, इसका मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा. ठीक है, सो मैंने ए या ए को बहुत सारे यूनिट लिया ए के, और उसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किया, और पॉट वी विल गेट, वी विल गेट ए ए ए ए और एन नंबर ऑफ ए, चेन ऑफ एन नंबर ऑफ ए. सो दिस इज माय वन यूनिट. वन यूनिट मींस मोनोमर, एंड देयर आर मेनी यूनिट्स, सो वी कैन से इट एज पॉलीमर. Okay, this is monomer and this is polymer. So let's see. Now मेरे को define करना है इसको. I have to define this polymer. I have to define this. तो मैं क्या समझूंगा इसके अंदर, मुझे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है जो मैं इसको जिसका word जिसका जिसकी जिसकी property use करके define करूँ definition. मैं ये क्या कह सकता हूँ कि पहला point, it is a macromolecule. बड़ा मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल्स है ना. यू नो दैट इट इज अ पॉली, एन नंबर कंटिन्यू लंबी चेन चल रही है, लंबी चेन चल रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा. और बड़े मॉलिक्यूल कितना बोलते हैं हम लोग, मैक्रो मॉलिक्यूल्स. सो इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट. मॉलिक्यूल बड़ा है तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, हाई रहेगा. मॉलिक्यूल बड़ा है इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, हाई रहेगा. वेरी गुड. थर्ड, मॉलिक्यूल बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट हाई हो गया. और क्या बोल सकता हूँ फिर, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये किससे बना है, इट इज कंपोज ऑफ ए. इट इज कंपोज ऑफ व्हाट, ए. ए से बना है, राइट. तो कंपोज ऑफ, कंपोज ऑफ किससे बना है, कंपोज ऑफ किससे बना है, ए से. ए ए क्या है मेरा, मोनोमर. मोनोमर, मोनोमर को क्या बोल सकता हूँ, मोनोमर इज अ स्मॉल, छोटा सा है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट जो रिपीट हो रहा है. ए जो है पॉलीमर के अंदर, ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जो कि छोटा मॉलिक्यूल है, छोटी चीज है, और जो ये पॉलीमर के अंदर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो क्या मैं मोनोमर को स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट. सो थर्ड पॉइंट में ये बोलूंगा कि इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट,
and which is what? Nothing but a monomer. And this is called as polymer. What is it? जोड़ दो तीनों को. क्या हमने सीखा इसके अंदर? के it is a macromolecule. Molecular weight ज़्यादा है, high है. और किससे बना है? ये बना है monomer से. Small rotating rate से बना है. तो let's combine this and जिससे हम लोग को definition मिल जाएगा. So what is polymer? Polymer are macromolecules having high molecular weight composed of small rotating rate. Bracket में monomer is called as polymer. Again repeat करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए. बहुत easy है और बहुत important exam में एक preparation देता है और start होता है define polymer and prepare this in market. बहुत easy ना polymer start की तो polymer आना चाहिए. बहुत easy simple. तो वापस ही बड़ी करेंगे. It is a macromolecule having high molecular weight composed of small repeating unit. Bracket में monomer, क्योंकि monomer से बन रहा है, is called as polymer. समझा? Okay. So now example. Obviously हम लोगों को example देना जरूरी है. तो example तुम्हारा favorite वाला. Mostly लोगों को ये मालूम है polythene. ना polythene, PVC ये भी मालूम है. Polyvinyl chloride. उसके बाद teflon ये भी common है. तो वही example लेंगे जो easily याद हो जाए. तीसरा example soft polymer. Got it? Very good. Next is the definition of monomer. Next is the definition of monomer. Now we have to define monomer. Monomer define करना. मैंने इसको define कर चुका हूँ. मेरे को इसको define करना. कैसे define करूँगा? Obviously it is the opposite of polymer. है ना? Opposite है ना? मैं यही point को discuss करते हुए इसको बोलूँगा. तो अब मैं ये पॉइंट्स ने ये क्या है मैक्रोमोलिक्यूल है. तो ये क्या हो गया? माइक्रोमोलिक्यूल नहीं, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं. मोस्टली स्टूडेंट यही आंसर देते हैं माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा. माइक्रो जो नेकेड आंखों से नहीं दिखता. सो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते. यही पॉइंट को डिस्कस करेंगे. मगर पहला पॉइंट आएगा हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो स्मॉल मॉलिक्यूल. सेकेंड वन हाई मॉलिक्यूलर वेट. ऑब्वियसली ये सिंगल है, अकेला है. तो क्या आएगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट आएगा? नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट. एंड थर्ड वन क्या रहेगा बोलो? कंपोज्ड ऑफ मोनोमर. मोनोमर से बना है तो इसका क्या बोलूंगा मैं? विच ऑन कॉम्बिनेशन जो कंबाइन होता है. विच ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स पॉलीमर. तो थर्ड पॉइंट गया विच ऑन कॉम्बिनेशन. मैं अच्छे से लिखता हूं इसको. विच ये मेरा तरीका है विच लिखने का. विच ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स व्हाट? पॉलीमर. सिंपल. ओके. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोमर? लेट्स स्टार्ट. एक साथ मिलके बोलते हैं हम लोग के monomers are small molecules having low molecular weight and which on combination जो जुड़ता है और जुड़ने के बाद कहता है gives polymer is called as monomer. याद हो गया बच्चों? बहुत इजी, बहुत इजी है. ओके. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. यस पॉलीमराइजेशन क्या होगा ये तो हम लोग को मालूम होगा. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा बोलो? सिंपल सी बात ना. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस तो ऐसा प्रोसेस जिससे पॉलीमर बनाओ, है ना. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा? इज अ प्रोसेस जिससे क्या हो रहा है? पॉलीमर बनाओ. तो द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर आर सिंथेसाइज, है ना. द सिंथेसाइज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द पॉलीमर. ऐसा ही बोलते हैं हम लोग. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ओके ओके. नाउ राइट इट डाउन. बी फर्स्ट ओके डन. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर.
because it is an introductory lecture, so आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा क्लासिफिकेशन देख के रुक जाएंगे. नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा लेंदी लेंगे लेक्चर. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. वेरी इजी इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. एज आई सेड फर्स्ट वन, द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेस्ड ऑन फर्स्ट बोलो सोर्स. बेस्ड ऑन सोर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स द पॉलीमर आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स. सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप. फर्स्ट वन नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड वन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड वन यू नो दैट सिंथेटिक पॉलीमर. ओके, पॉलीमर वी विल सी वन बाय वन. बहुत इजी है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि डेफिनेशन क्या होगा. बहुत इजी है, डेफिनेशन तो ऐसे होता है, बुक जो है ना बुक में कुछ होता ही नहीं है, हम लोग को जो होता है हमारे दिमाग में होता है ना, जो हमको समझा वो हम लोग बोलेंगे. जरूरी तो ही ना बुक का हम लोग बोले, राइट? जो हमको समझा वही बोलो, बस आंसर है भाई. सो नेचुरल पॉलीमर, लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल पॉलीमर. क्या हमारे पीछे नेचुरल पॉलीमर यही कौन बढ़ रहा है? इट इज अ पॉलीमर सोर्स जिसका क्या है, नेचर है ना. डेफिनेशन पॉलीमर, डेफिनेशन क्या बनेगा? द पॉलीमर is obtained by, the polymer which is obtained by nature, nature से obtained किया गया, the polymer which is obtained by nature is called as natural polymer, right? Obtained by nature is called as natural polymer. Now nature में क्या क्या चीज होती है? तो nature में हम लोग को या तो क्या होता है, plant होता है, और दूसरा क्या होता है, animal होता है. तो डेफिनेशन थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं हम लोग. क्या बोलेंगे? द पॉलीमर विच इज ऑप्टेन बाय नेचर आइदर बाय प्लांट और बाय एनिमल. किससे हुआ है? नेचर में. किससे? प्लांट से ऑप्टेन हुआ है या फिर एनिमल से. सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर. वो पॉलीमर जो नेचर से मिले, या तो एनिमल से मिले हो या फिर प्लांट से मिले हो, किससे मिले हो, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर. एग्जाम्पल, प्लांट से